अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक जो है इज़ अ लिटिल बिट सीरियस। आप सब लोगों को पता होगा कि कोरोना की जो है वो थर्ड वेव चल रही है एंड सिचुएशन इज़ रियली आउट ऑफ हैंड। हम लोगों में से अक्सर लोगों को लग रहा है कि इट्स नॉट, इवन आई नो मैनी पीपल, माई फैमिली मेम्बर्स भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे या समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेक इंटरटेनमेंट वीडियोज़, बट मेरे चैनल का असल मकसद जो था वो अवेयरनेस था। एंड मैं मजबूर हो गई हूँ इस बारे में बात करने पर कि प्लीज़ 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 टेक इट सीरियस। हालात वैसे नहीं हैं जैसे आप लोग समझ रहे हो। आप लोग कभी जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन ड्यूटी हैं आप उनसे पूछें, या जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं आप कभी उनकी सुने कि सिचुएशन इज़ सो 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 क्रिटिकल और आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमारी फैमिली में अगर कोई बीमार हो रहा है तो लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर रहे हैं। मैं किसी दूसरे की बात नहीं करती, इवन पढ़े लिखे लोगों की फैमिलीज भी इस चीज़ को मानती नहीं है, बस ये कहती हैं सर्दी लग गई थी, बुखार हो गया था, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडे पानी से नहा लिया, टाइफाइड हो गया होगा। उनके लिए टाइफाइड हो जाए तो कोई बात नहीं, कोरोना नहीं होना चाहिए। प्लीज़ स्टॉप बिहेविंग लाइक इलिटरेट पीपल। सिचुएशन इज़ सो सीरियस और कोरोना की ये जो थर्ड वेव है, जो ये वाली स्ट्रेन है, ये इतनी लीथल है, ये इतनी डेंजरस है कि जो पेशेंट्स जब हॉस्पिटल आते हैं, पहले तो ये होता था कि सिम्टम्स दिख रहे हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल हैं जो बिल्कुल इसको सह नहीं पा रहे, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तब तक उनकी 80% या समटाइम्स 90% लंग फाइब्रोसिस हो चुकी होती है। उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इतनी कम होती है कि डॉक्टर्स भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आप लोग मास्क नहीं पहनते, कोई बंदा जो है वो SOPs को फॉलो नहीं करता। इवन आई ऑल्सो यूज टू गो आउट, लेकिन मैं मोस्टली, आपने देखा होगा कि आई रियली नाउ अ डेज, जब से ये थर्ड वेव आई है और आई एम जस्ट टेकिंग केयर अलॉट, इस वजह से ही मैं कोई शॉपिंग व्लॉग्स भी नहीं बना रही एंड आई एम नॉट गोइंग हेयर एंड देयर बिकॉज इट्स सो सीरियस एंड दिस इज़ द टाइम वी शुड बी सीरियस। आप खुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेरेंट्स को किसी को बुखार है या कुछ भी है, प्लीज़ टेस्ट देयर सेल्फ। और अगर कोई लाइक ओल्डर पीपल मेरी वीडियोज़ देखते हैं, स्पेशली आई वॉन्ट टू टॉक टू माई स्टूडेंट्स, दे आर डॉक्टर और दे आर डॉक्टर टू बी, प्लीज़ एजुकेट पीपल अराउंड यू। लोगों को बताएं कि ये उतना सीरियस है जितना आप समझ भी नहीं रहे हो। आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो चुकी है। लोग इस चीज़ को यकीन ही नहीं करते, लोग अभी भी पार्टीज कर रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं। आई ऑल्सो डू पार्टीज, आई ऑल्सो इन्जॉय माई सेल्फ, लेकिन दैट इज़ विद माई फैमिली मेम्बर ओनली, जहाँ पर सिर्फ मेरे घर के लोग हैं। आप लोग इस टाइम को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, प्लीज़ घर पे रहिए, डोंट गो आउट। और अगर आपको किसी मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है तो मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट SOPs का ख्याल रखें। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बात की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं, आई नो माई स्टूडेंट्स, माई सिस्टर्स, इन मैनी पीपल, के हम लोगों का 2020 ज़ाया हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी का साल ज़ाया हो गया, हमारे मोमेंट्स ज़ाया हो गए, हमारा ये चला गया। कम ऑन ड्यूड, यू नीड टू ग्रो अप। खुदा ना हास्ता अगर आपको कोरोना हो जाता और आपका शुमार उन लोगों में होता जो कि 2020 में इस दुनिया से जा चुके हैं, तब आपने क्या कर लेना था। जैकमा ने कोट बोली थी 2022 में कि 2022 में आपकी सबसे बड़ी सेविंग यह है कि आप खुद को बचा लो। सो सेव योरसेल्फ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। प्लीज़ सेव योरसेल्फ, SOPs को फॉलो करें। जैसे ही आपको लगता है कि यू आर हैविंग फीवर, और कोरोना के अब न्यू कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसका कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, टेस्ट उनको फील नहीं होता, फिर भी लोग ये बात समझते नहीं है कि उनको कोरोना है। लोगों को वीकनेस होती है, उनको भूख लगती है या किसी की भूख मर जाती है। देर आर सो मैनी सिम्टम्स। इस
वायरस ने ऐसे ऐसे रंग दिखाने शुरू किए हुए हैं जो कि अभी तक रिसर्चर्स को भी नहीं पता, क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है जितने भी हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो ट्रीटमेंट करें इनकी, प्रिवेंटिव कॉजेज क्या कहते हैं उसको बनाएं, अपना मेयर्स बनाएं या इस पे रिसर्च करें, रिसर्च तो अभी कुछ हुई नहीं है और इतने सारे जो है इसके सिम्टम्स हैं जो लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता या हर बंदे को नहीं पता। सो वेन एवर यू फील कि आप बीमार हो प्लीज़ टेस्ट कराइए, और ये कोई बला नहीं है। अगर मुसलमान होने का यहाँ सबूत दे दें कि ज़िंदगी मौत अगर अल्लाह के हाथ में है तो इतने सुपरस्टिशियस हम लोग क्यों बन गए हैं? आई एम सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पीपल, जो जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है और जो जिन्होंने देखी है, आई हेल्प, आई आस्क देम के हेल्प मी टू शेयर इट एज मच एज यू कैन। प्लीज़ लोगों को बताइए, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दें, उनको कहें कि अगेन एक साल हो गया इस चीज़ को, अगर हम लोग चाहते तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इट्स जस्ट बिकॉज कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं और हमें वो लापरवाही नहीं करनी। सो इट इज़ अ पिटिशन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, डू फॉलो SOPs, प्लीज़ घर से बाहर मत जाएं जब तक आपको कोई बहुत अशद ज़रूरत नहीं है, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनें, अपने हाथों को बार बार धोएं और लोगों को ये समझाएं कि अगर आप बीमार हो तो अपना टेस्ट कराओ, ट्रीट योरसेल्फ। इस तरह से इस चीज़ को छुपा के रखना, किसी को ना बताना, आप अपने साथ 100 और लोग को बीमार कर दोगे यार। बी सीरियस एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।